अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद शेख है और आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इंसान को एक्चुअली वो बीमारी हो जाती है जो जिसकी वो वैक्सीन लगा लेता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पेज पे इनबॉक्स में मुझे ईमेल करके लोगों ने पूछे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन क्या है और वैक्सीन कहां से बनती है। देखें, वैक्सीन दो तरह की होती है। वैक्सीन एक्चुअली बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, लाइक जिस तरीके से फौजी होती है ना, इसी तरीके से हमारी जिस्म के अंदर भी अल्लाह ताला ने खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स रखे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली क्या है, वो फौजी हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर वो एक इंफॉर्मेशन, लाइक ऐसे समझे जैसे वैक्सीन एक स्पाई और एक जासूस है जो इंफॉर्मेशन देता है हमें हमारे दुश्मन के खिलाफ, मतलब के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस तरह की जो है ना हथियार आप हम जो है आपके दुश्मन के पास मौजूद है। तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उस वायरस या उस बैक्टीरिया के खिलाफ उस तरह के हथियार बना लेते हैं। तो जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे हमला करते हैं, तो जो हमारे वैक्सीन जो वैक्सीन हमने डाली हुई है, तो वो उसको वहां पे बता देती है कि भाई ये वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऑलरेडी क्योंकि हमारे सेल्स, व्हाइट सेल्स प्रिपेयर्ड होते हैं उस हमले के लिए, तो वो उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और वो बीमारी हमें नहीं हो पाती, या मिनिमली ज्यादा फ्लू या फीवर होता है और कुछ भी नहीं होता। तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती। अब वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, वैक्सीन दो तरह की होती है। एक या तो वो जो बैक्टीरिया और जो है उस वायरसेस उसको बिल्कुल वैसा का वैसा सारा का सारा आपकी बॉडी से जो है क्या बोलेंगे उसको, कि उसको आपको आपकी बॉडी को जो है वो एक्सपोज कराए जाते हैं। तो लेकिन वो जिंदा वैक्सीन होती है, वो जिंदा बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो आपकी बॉडी को एक्सपोज करवाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज, जो मैंने आपको बताया, हथियार बना ले जो उनके पास मौजूद है, लेकिन वो कम डोज के अंदर या उनको म्यूटेटेड करके कराया जाता है। अच्छा, दूसरे वो होते हैं कि बैक्टीरिया के किसी भी पार्ट को जो एंटीजेनिक हो, जहां से वो एंटीबॉडीज, मतलब जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि उनके पास किस तरह के हथियार हैं, सिर्फ वो उठा के हम अपनी बॉडी में डाल देते हैं और हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। तो दो तरह जो खतरनाक है वो है लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स यानी वो जो पूरे के पूरे बैक्टीरिया या वो जिंदा बैक्टीरिया, जिंदा वायरस जब हम अपनी बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं, एक्सपोज करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज, लाइक वो हथियार बना ले ताकि जब वो हमें आए और हम उनके ऊपर हमला कर लें, तो वो थोड़े से खतरनाक होते हैं। वो हमला औरतों के अंदर हम थोड़ा सा मना करते हैं कि वो नहीं देने चाहिए। तो इसलिए वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके डॉक्टर आपको तजवीज करेंगे तो आपको लगवानी है, और इसके अलावा उसके उसकी उसकी वजह होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रॉपर डोज होना चाहिए। और वैक्सीन लग जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता आपको सिम्टम्स जैसे फ्लू या फीवर हो रहा है, फिर तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाता है या परसिस्टेंट फीवर रहता है, या खुदा न खास्ता आपकी बॉडी के अंदर या आपके ब्लड प्रेशर या आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो प्लीज किसी आस पड़ोस के इधर उधर का कहीं हकीम शकीम पे धक्के ना खाएं, और प्लीज जो है आप जो है प्रॉम्प्ट वहां जहां पे आपने वैक्सीन लगवाई है वहां पे रिपोर्ट करें, या अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें जिसने आपको वो वैक्सीन तजवीज की है। अब वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दो एजेस के लिए। एक जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज हैं, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ इस तरह की जो है वैक्सीन्स मौजूद हैं, कुछ इस तरह के लिथल बैक्टीरियाज मौजूद हैं, उसकी वैक्सीन अगर बच्चों को ना लगाई जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि बच्चों के मरने की तादाद वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी कौम की हेल्थ का जो अंदाजा है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों के नौमौलूद बच्चों के मरने की तादाद और हामला औरतों के मरने की तादाद से लगाया जाता है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ओल्ड एज के अंदर क्योंकि ये फ्लू और ये स्पेशली न्यूमोकोकल वैक्सीन, क्योंकि हमारे पास सीजन की वेरिएशन होती है और ट्रांजिशन होती है, उसमें ये बैक्टीरिया बिल्कुल एक पावरफुल तरीके के साथ हम आपकी बॉडी पे हमला करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग होते हैं या वो लोग होते हैं जो
क्या कहते हैं जिनके फेफड़े दिल ऑलरेडी कमजोर है तो उन पे वो बहुत बुरे तरीके से असर करते हैं, इसलिए उनके लिए ये वैक्सीन बेतहाशा जरूरी है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन किनको नहीं लगनी चाहिए, वो हजरात जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स ऑलरेडी जिनकी कमजोर है, अगर आप उनको एक्सपोज करवाएंगे वैक्सीन से तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया बजाय उनको एंटीबॉडी प्रोवाइड करने के वो हमारी बॉडी पे हमला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में चार अफराद हैं, आपने बजाय जासूस बुला लिए 100, तो क्या होगा, वो जासूस आपके जासूस नहीं होंगे बल्कि वो आपके ऊपर हमला कर देंगे बैक्टीरिया और वायरस की तरफ से। तो इसलिए जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं, स्पेशली जो एचआईवी के जो लोग हैं और जो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं जिनमें उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, या जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी वीक पड़े, तो उनके लिए वैक्सीन जो है बड़ा सोच समझ के और बिल्कुल डॉक्टर की तजवीज के साथ और बाकायदा से उसका एक जो है ना प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बाकायदा से उसकी एक तजवीज होनी चाहिए कि उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जहां उनका ट्रांसप्लांट या जहां उनका इलाज चल रहा है इम्यूनो कंप्रोमाइज मरीजों का, वहां से रिजू करना बहुत जरूरी है कि क्या उनको ये वैक्सीन लगाई जाए या ना लगाई जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी और मुझे उम्मीद है कि आप वैक्सीन लगाएंगे और लगवाएंगे, लोगों को इस बारे में आगाह करेंगे कि वैक्सीन लगाना जरूरी है, ख्वाब वो किसी भी चीज के लिए हो, अगर आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज की है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। आपका अपना डॉक्टर नवीद अहमद शेख, अल्लाह हाफिज़।